खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान की शपथ। आपके साथ मैं हूं आमांद्रा भट्ट। दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सरकार की सूरत साफ नहीं है। जनता ने बीजेपी शिवसेना महायुति को जिताया, लेकिन नतीजों के बाद दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। पिछले दो हफ्तों से दोनों दलों के बीच नाटक चल रहा है और आज इस नाटक में नया मोड़ तब आया जब शिवसेना ने अपने विधायकों को मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया। शिवसेना के इस कदम के बाद सवाल उठता है कि क्या उसे अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, और सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अब अपने छोटे भाई के खिलाफ भी ऑपरेशन कमल को अंजाम देने वाली है। महाराष्ट्र की सियासत की पल पल की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए मुंबई, नागपुर और दिल्ली से हमारे रिपोर्टर तो मौजूद रहेंगे, साथ ही स्टूडियो में एक्सपर्ट्स भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में शिवसेना को सता रहा टूट का डर। तोड़फोड़ से बचाने के लिए विधायकों को होटल भेजा। कोशिश तो हमेशा होती रहती है, खास करके जिनके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, एजेंसी होती है, पैसा होता है, वो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, ये हमारे राजनीति का दुर्भाग्य है। आज भी डेमोक्रेसी का ये बातें चलती है। माइका लाल फोड़ सकता है, हमको फोड़ना है तो आ जाए सामने। ये कोई सभी विधायकों को एक जगह रखा लेके जाए, सब्जी मंडी थोड़ी है, कोई बैंगन लेके जाए, कोई भरता लेके जाए, हिम्मत हो तो आके लेके जाए। शिवसेना में तोड़फोड़ से बीजेपी का इनकार। ऐसा कहे कि शिवसेना अपने विधायकों के बारे में ऐसी क्यों शंका ले रहे हैं? शिवसेना के विधायकों को हम भी जानते हैं, वो ऐसे थोड़ी फूटते हैं। भाजप का विधायक हो, शिवसेना का विधायक हो, 15-15 वर्ष हम सत्ता के बाहर रहे तब नहीं फूटे, और अब तो सत्ता साथ में आ सकती है, जनादेश है, तब क्यों फूटेंगे भाई? शिवसेना के बहाने कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी बड़ा बीभत्स लोकतंत्र की कहानी लिख रही है महाराष्ट्र। अभी तक उनके साथ करती थी जो खिलाफ थे, अब वो अपने घर में तोड़फोड़। महाराष्ट्र में छोटे भाई को बड़े भाई का डर। और अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। अशोक वानखेड़े हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवसेना एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अनुज गुप्ता भी हैं, ब्यूरो चीफ नवभारत टाइम्स के, वो बीजेपी के एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज पांडे दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, जितेंद्र दीक्षित मातोश्री से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय सिंह सीएम आवास से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मुंबई से, और नागपुर से हर हलचल हमें बताने जा रही हैं सरिता कौशिक, वो भी हमारे साथ नागपुर से लाइव जुड़ गई हैं। लेकिन जितेंद्र दीक्षित, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। शिवसेना के तेवर जरा भी नरम नहीं पड़े हैं। संजय राउत ने यह कह दिया है कि हमारे पास और भी विकल्प हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं मातोश्री के बाहर नहीं, मैं उस होटल रंग शारदा के बाहर हूं जहां पर इस वक्त तमाम शिवसेना के विधायकों को रखा गया है। आज जो बैठक हुई उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम विधायकों को निर्देश दिया कि आप यहां से रंग शारदा होटल जाइए और अगले आदेश का इंतजार कीजिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शिवसेना को ऐसा अंदेशा है कि अगर बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाती है तो विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए जो उसे मियाद मिलेगी, जो करीब 15 दिन का वक्त मिलेगा, उस दौरान बीजेपी तोड़फोड़ कर सकती है, शिवसेना के विधायकों के बीच सेंध लगा सकती है अपनी सरकार बचाने के लिए, आंकड़े जुटाने के लिए। और रही बात संजय राउत के बयान की, तो संजय राउत पहले दिन से उसी बयान पर कायम है। जैसे ही नतीजे आए थे उसी शाम को उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो पहले फॉर्मूला तय हुआ था अमित शाह के सामने,
50-50 का उस फॉर्मूले पर बीजेपी को कायम रहना चाहिए। और अभी तक शिवसेना यही कह रही है कि अगर हमें मुख्यमंत्री पद बीजेपी नहीं देती है तो हमारे पास में विकल्प है और हम विधानसभा के फ्लोर पर साबित करके बता सकते हैं कि हमारे पास में कैसे आंकड़े हैं। इसके पीछे माना यह जा रहा है कि एनसीपी ने एक तरह से ऑफर दे दिया है शिवसेना को कि अगर आपकी तरफ से प्रस्ताव आता है तो हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं और हम साथ में कांग्रेस को भी मना लेंगे और इस तरह से शिवसेना एनसीपी की सरकार बन सकती है। कांग्रेस चाहे तो बाहर से समर्थन दे या कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। इस तरह का विकल्प जो है शिवसेना के सामने मौजूद है। जी, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र आपके, एनसीपी ने शिवसेना को ऑफर दे दिया है, कांग्रेस को भी मनाने की बात कर रही है एनसीपी और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस भी बाहर से समर्थन नई सरकार को दे दे। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि सबसे पुराना जो पार्टनर है बीजेपी का, जो एलाय है, क्या अब वो उससे दूर होने जा रहा है? मृत्युंजय, सीएम आवास के बाहर आप हैं, क्या हलचल है वहां पर? अमांद्रा, आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक भाजपा के जो कोर कमेटी के नेता हैं वो वर्षा बंगलों पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अब सभी निकलने शुरू हो चुके हैं और इस वक्त मीटिंग खत्म हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से जानकारी मिली है कि राज्यपाल के सामने उन्होंने स्थिति रखी है कि उनके पास में मैंडेट बहुमत नहीं है, उन्हें 105 उनके विधायक चुनकर आए हैं और कुछ साथी दल हैं जो उनके आंकड़े बहुमत के नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति स्पष्ट करने के बाद में जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं वो कल अटॉर्नी जनरल जो आशुतोष जी हैं उनकी राय लेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है, उनके उनसे राय मशवरा करेंगे और संभवतः ऐसा होगा, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जाकर इस्तीफा दे दें और राज्यपाल उनसे कहें कि आप तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहें। एक ऐसी संभावना आज या कल में बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि 48 घंटे का वक्त है, 9 तारीख जो है उसके बाद ये सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो अभी भी उठापटक कहीं भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बातचीत का चर्चा पूरी तरह से बंद है और शिवसेना के तेवर से ये साफ है कि बीजेपी भी अब वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गई है। लेकिन क्या मृत्युंजय, आप ये कह रहे हैं कि बैक चैनल्स भी अब दोनों दलों के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है? जी, इस बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि बैक चैनल्स बातचीत बंद है। जो जानकारी दिल्ली से भी देनी थी वो जानकारी दे दी गई है। नितिन गडकरी ने भी खुलकर कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बननी चाहिए, बड़ी पार्टी बीजेपी है, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए। जो संदेश देना था वो भी दे दिया गया है। संघ की तरफ से भी एक मैसेज जो भाजपा के नेताओं ने यहां पर बताया कि संघ ने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया है, संघ ने सिर्फ एक बात की इच्छा जताई है कि अगर सरकार बीजेपी और शिवसेना मिलकर बनाते हैं तो यह अच्छा होगा। इससे ज्यादा संघ ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी इनके गठबंधन में या सरकार बनाने की भूमिका में दिखाई नहीं है, ऐसा बीजेपी नेताओं का दावा है। जी मृत्युंजय, नागपुर लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। अब सरिता कौशिक लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता, क्या वाकई संघ इंटरफेयर नहीं कर रहा है सरकार बनाने में, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों? देखिए, संघ ही फिलहाल सूत्रधार है ऐसा कहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि संघ ने दशकों से यही भूमिका रखी है कि वो राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, और अगर संघ नहीं इन्वॉल्व होता तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो 48 घंटों से दिल्ली मुंबई बैठकें कर रहे हो, वो सिर्फ एक घंटे के लिए डॉक्टर मोहन भागवत को मिलने रात में क्यों आते? तो संघ ये लगातार कहते ही आया है, अलग अलग घटनाओं में यही कहता है कि राजनीति से वो जुड़ा नहीं है, लेकिन सारा समाज जानता है कि संघ ने भी एक स्वयंसेवक को ही नहीं तो बल्कि प्रचारक को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने के लिए कई पापड़ पेले हैं। ऐसे में आज जो है वो संघ की भूमिका बहुत ही अहम हो गई है। करीब 10 दिनों तक, जब से विधानसभा के नतीजे आए हैं तब से करीब 10 दिनों तक संघ शायद चुपचाप देख रहा था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जरूर सरकार बना लेंगे, लेकिन एक ऐसा नजर आया कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं अकेले पड़ रहे हैं। वो समय था जब संघ सक्रिय हुआ, एक तरफ में दिल्ली में ये बताया गया कि प्लान ए के तहत नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, वो किसी भी तरह से संघ से बातचीत के लिए दरवाजे खोले, देवेंद्र फडणवीस के मदद के लिए वो आ रहे हैं, ये सामने लोगों तक ये चित्र जाना चाहिए। साथ ही में ये भी पता चलता है कि संघ ने इन दोनों नेताओं से ये भी कहा है कि नितिन गडकरी को चर्चा में शामिल किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी प्लान बी सत्ता के लिए होना है तो वो नितिन गडकरी के सिवाय
नहीं हो सकता है। हालांकि संघ की प्राथमिकता ये शिवसेना ही है, क्योंकि ये जो दो पार्टियां हैं ये हिंदुत्व के मुद्दे पर जुड़ी हुई है। और अब भाजपा की बात जब उद्धव ठाकरे सुनने को ही तैयार नहीं है, तब अगर हम इतिहास देखते हैं तो ये इतिहास बहुत गहरा है संघ और उद्धव ठाकरे, संघ और ठाकरे परिवार के बीच में। डॉक्टर मोहन भागवत और उद्धव ठाकरे का जो संबंध है वो अलग है भाजपा और उद्धव ठाकरे के संबंध से, और ऐसे में मोहन भागवत अब उन संबंधों के तौर पर मोहन भागवत की कोई ना कोई प्रतिनिधि ये उद्धव ठाकरे से चर्चा कर रहे हैं, करेंगे ये बिल्कुल तय है। लेकिन ये बात जो है ये मीडिया के सामने इस बार संघ भी नहीं लाना चाहता है, क्योंकि संघ की अपनी स्टेटेड भूमिका ये यही रही है कि हम राजनीति में नहीं है जी। लेकिन सरिता ने एक बड़ी बात बोली, नीरज पांडे आपके पास मैं आना चाहूंगी, दिल्ली में आप हैं हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, कि इस सब के बीच देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कम से कम संदेश ऐसा लग रहा है। दिल्ली मुंबई कई बैठकें उन्होंने की, संघ की शरण में भी वो गए, इस सबका हासिल क्या रहा? जी बिल्कुल, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि अलग थलग पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्लान ही यही है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि मुख्यमंत्री के बाद आप कोई बात निगोशिएट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी का होगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट भी हो चुका है कि जब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चुनाव लड़ा गया है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी, या यह कहें मुख्यमंत्री भी जो है देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। उसके बाद आप सारी चीज़ों पर निगोशिएट कर लो। जहाँ तक बात कही कि बैक चैनल टॉक बंद हो चुकी है, बैक चैनल टॉक कभी भी राजनीति बंद नहीं होती। हमें उस दिन भी याद है जिस दिन टिकटों का निर्धारण हो रहा था महाराष्ट्र के, उस दिन रात में करीब 3 बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अमित शाह की बातचीत हुई, और उसके बाद ये फाइनल हुआ कि 124 सीटें शिवसेना को देना चाहिए, 126 सीटें फाइनल हुई थी दो उसमें एमएलए। तो ये कहें कि बैक टॉक जो पर्दे के पीछे बातचीत है वो कभी राजनीति बंद नहीं होती। और अभी 48 घंटे का समय, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई वो भी अभी यही मानते हैं कि हमारी और शिवसेना की सरकार बनेगी, कुछ मुद्दों पर जरूर हमारा उनका डिफरेंसेस है, वो सब सॉल्व कर लिए जाएंगे। अब सारी जो गेंद है वो शिवसेना के पक्ष में, शिवसेना क्या करती है। शिवसेना ने खैर अपना बिल्कुल स्टैंड क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री हमारा हो, और वो भी पहले 2.5 साल का। तो इस पर अभी भारतीय जनता पार्टी अभी बातचीत चल रही है, कई और मुद्दों पर बात चल रही है, शायद अगले कुछ घंटों में ये चीज़ सॉल्व भी कर ली जाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया उसी पे अभी वो खड़े हैं, और आज नितिन गडकरी के बयान से बिल्कुल साफ होता है कि उद्धव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, देवेंद्र फडणवीस के बाद कोई समझौता नहीं हो रहा। आज नितिन गडकरी ने भी साफ किया जनता पार्टी का कि लाइन क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन नीरज कम से कम ये तो साफ है, लगता नहीं है कम से कम के वाकई ये मुद्दों का डिफरेंस है जिसकी बात कही जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, अपने दर्शकों को बता दें सीएम आवास पर बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर ये अहम बैठक बीजेपी नेताओं की चल रही है। अब से कुछ देर पहले राज्यपाल से भी मिले थे बीजेपी के विधायक, जिसके बाद ये कहा गया कि जनता ने महायुति को चुना है, आगे का फैसला हाईकमांड को करना है। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक चल रही है। सीधा रुख करते हैं मृत्युंजय, हमारे साथ सीएम आवास से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कौन कौन पहुंचा इस बैठक में? आपको बता दें कि राज्यपाल से मिलने के लिए सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, ये 4 लोग गए थे, लेकिन जिसमें से आशीष शेलार और चंद्रकांत पाटिल बाहर निकल गए हैं। लेकिन गिरीश महाजन और सुधीर मुनगंटीवार और देवेंद्र फडणवीस ये 3 लोग और वी सतीश ये 4 लोग फिलहाल कम हैं, बातचीत उनमें चल रही है। और इसके अलावा पहले से, चूंकि आज सुबह से ही वर्षा बंगलों पर भाजपा के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ था, और ये जो वर्षा बंगलों इसके इर्द गिर्द में ही कई मंत्रियों के बंगले हैं, निवास है, और कई मंत्री सुबह से यहाँ पर थे। तो कुछ एक जो मंडल गया हुआ था राज्यपाल से मिलने, उसमें से सुधीर मुनगंटीवार और गिरीश महाजन, वी सतीश और देवेंद्र फडणवीस, ये 4 की जानकारी है जिनकी बीच अभी बातचीत चल रही है। आशीष शेलार, चंद्रकांत पाटिल निकल चुके हैं, ये उनका इस समय कहां पर है या किस मकसद से आगे गए हुए हैं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल वर्षा बंगले पर ये कोर कमेटी के 4 नेता हैं जो फिलहाल बातचीत कर रहे हैं। जी जी मृत्युंजय, आप नजर बनाए रखें, हमारे सभी संवाददाताओं से भी मैं ये कहूंगी आप नजर बनाए रखें, हम आएंगे आपके पास। फिलहाल स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। अशोक वानखेड़े, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, शिवसेना पर अब नजर है, पूरा का पूरा दारोमदार ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे पर है, वही अंतिम फैसला लेंगे, इस बीच टूट का भी डर सता रहा है शिवसेना को, टूटेगी या झुक जाएगी?
देखिए 2014 और 2019 का सिनेरियो करीब करीब एक समान है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, शिवसेना कई मुद्दों पर अड़ी हुई थी और इसके बाद शिवसेना ने समर्थन देने से मना कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बी प्लान था जिसमें एनसीपी का समर्थन उनको था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सरकार ने विश्वास का मत ध्वनिमत से पारित हुआ जो शिवसेना ने उनको बेल आउट किया। उसके बाद एक महीने के बाद नागपुर में अधिवेशन होता है और उस एक महीने के बीच में कहीं ना कहीं शिवसेना टूट के कागार पे थी और उस टूट को पहले ही इंजीनियरिंग किया गया था। यह विश्वास था तब देवेंद्र फडणवीस और उनके पूरे टीम को कि हम शिवसेना की यदि टूटती है तो हम पूरा बहुमत हमारे पास आता है, क्योंकि एनसीपी उनको बार बार बेल आउट करने के लिए भी मना कर रही थी। ये सिनेरियो इस बार नहीं है। इस बार जो एनसीपी उस टाइम बेल आउट कर चुकी थी वो एनसीपी इस बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, ईडी को लेकर चुनाव लड़ी है, वो किसी हालत में बीजेपी को बेल आउट करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर जब शिवसेना को यह पता है कि बीजेपी को कोई बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं है तो शिवसेना के पास ये गोल्डन चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए जो उन्होंने एक स्ट्रांग पोजीशन ली और अपने पोजीशन पे अड़े हुए हैं उससे लगता है चाहे बैकरूम, क्योंकि नितिन गडकरी का स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने ये बाकायदा ये भी कहा ना संघ इसमें इंटरफेयर कर रहा है और मैं जा नहीं रहा हूं और फडणवीस ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तीन अहम बातें उन्होंने की। संघ के कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब भाई हम तो चाहते थे कि बीजेपी इंडिपेंडेंटली लड़े, अपने ही बलबूते पर लड़े, लेकिन इन्होंने युति की, तब हमको पूछा नहीं, अब रोने के लिए रो रहे हैं। ऐसी कई बातें सामने आ रही है, लेकिन एक बात तय है कि इस बार बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है, क्योंकि जरा भी उनको कॉन्फिडेंस होता तो आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता। यदि शिवसेना अड़ी हुई है, शिवसेना के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए इंटैक्ट है और एमएलए यदि एक साथ है तो शिवसेना फिर आज किसी भी बारे में विश्वास रखने को तैयार नहीं। शिवसेना के साथ चार साल जो पिछले पांच साल हुआ केंद्र में जो उनको मिनिमम रिप्रेजेंटेशन मिला, इन सब बातों से शिवसेना आहत है और कहीं ना कहीं विश्वास जो है दोनों पार्टियों के बीच में वो बहुत बड़ा संकट है। यही बात आपने जब अपने एंकरिंग में कही कि क्या ये इतने साल का गठबंधन टूट जाएगा क्या, ये तो 2014 में विश्वास के मत के समय ही टूट गया था, तभी शिवसेना बाहर थी और एनसीपी सरकार के साथ हुई थी। तो ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जितना इजी आला कमान को लगता है बीजेपी के दिल्ली में बैठ के, उतना अब इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी जीने मरने का सवाल है शिवसेना को। उन्हें पता है यदि उनको जो चीज चाहिए वो नहीं मिली तो आने वाले चुनाव में शिवसेना महाराष्ट्र के राजनीति से बाहर होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अनुज गुप्ता जी आप क्या कहेंगे, क्या वाकई बहुत बड़ा संकट है इस वक्त बीजेपी के सामने, शिवसेना मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल डू और डाई की स्थिति शिवसेना ने भी अपने लिए बना लिया? यह बिल्कुल बड़ा संकट है। देखिए महाराष्ट्र देश का दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है, उसके अलावा मुंबई देश की आर्थिक राजधानी वहां पर है, और यदि ये विपक्ष के खेमे में चला जाए किसी भी तरीके से तो फिर बहुत बड़ी लाइफलाइन विपक्ष को मिल जाएगी आगामी चुनावों के लिए। अब पिछले पाँच सालों के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के ने 2014-13 में पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया था, तभी से उद्धव ठाकरे परिवार के साथ उनका कुछ न कुछ खिंचाव चलता रहा है। आप ये ध्यान करें कि 2013 दिसंबर में जब उद्धव जी दिल्ली घूमने आए थे तभी उन्होंने सुषमा स्वराज जी वाला मामला उछाला था और आडवाणी कैंप के साथ उनका जो नज़दीकी रिश्ता था वो कहीं ना कहीं आड़े आता रहा है। और इसी कारण देखिए पाँच साल पहले दिल्ली से बीजेपी का कोई भी नेता मुंबई में उतरता था, पहले मातोश्री जाता था, लेकिन पाँच साल में जाना आना बंद हो गया, बड़े लोगों से कहा गया कि भाई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण जो रिश्ते खराब होते गए और शिवसेना को आपने नंबर टू कर दिया था, वो इस बार बराबर हो सकता हूँ ये इस कोशिश में वो लगे हुए हैं। और बीजेपी के नेता कभी कभी कहते रहे कि भाई उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे नहीं हैं, तो इस बार उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले 48 घंटे में बीजेपी क्या अल्पमत की सरकार बनाएगी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा करके वो शिवसेना को विपक्षियों के साथ मिलने का मौका देने की बजाय राष्ट्रपति शासन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि संजय राउत भी यही कह रहे थे कि आप क्यों नहीं अपनी सरकार बनाते हो, राष्ट्रपति शासन की ओर क्यों धकेल रहे हो, ये उनको डर है। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति शासन ही अब एकमात्र विकल्प बच रहा है महाराष्ट्र में, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको वो बयान सुनाते हैं चंद्रकांत पाटिल का, जब वो राज्यपाल से मिलकर बाहर आए, आज बीजेपी विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था। इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने गत पांच साल साथ में सरकार चलाए
महायुति को सरकार फिर एक बार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। उस स्पष्ट जनादेश के आधार पर अब तक सरकार बननी चाहिए थी, वो जल्दी बने, यह सर्वसामान्य नागरिकों की इच्छा है। उस बनने में थोड़ा समय जा रहा है, तो आगे क्या इसकी लीगल चर्चा करने के दृष्टि से, कानूनी चर्चा करने के दृष्टि से आज हम लोग राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिले, उनको राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराया, उनके साथ आगे क्या इसकी कानूनी चर्चा हुई। उस चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। तो चंद्रकांत पाटिल का बयान भी आपने सुना। अनुज गुप्ता जी, आप ही से पूछना चाहूंगी मैं कि क्या मायने हैं इस बयान के, कैसे इसे देखा जाए, क्या ऐसा बदल गया जो ऐसा बयान आज सामने आ रहा है? नहीं, देखिए कानूनी पक्ष क्या है इस पर उन्होंने जोर दिया, तो जो कि सभी लोग कह रहे हैं, संजय राउत जी 8 तारीख कह रहे थे अपने रिपोर्टर्स, 9 तारीख कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव जब घोषित किया तो कहा था कि विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर तक का है, तो 9 तारीख तक यानी अगले 48 घंटे, उसमें यदि सरकार बन सकती हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा चूँकि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो इसलिए उसके बाद क्या। तो अब जैसा कि चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अब बीजेपी हाईकमांड को निर्णय लेना है, यानी हमें अपनी अल्पमत की सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना है या शिवसेना जो बात मान रही है बालहट समझ कर ही चलो भाई आपको दिया ये, उन दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना है या फिर तीसरा विकल्प, शांत होकर बैठो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सवाल यहां पर जनादेश को लेकर भी है। 24 तारीख से अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि संजय राउत ने यह कहा है कि हमने किसी भी विधायक को रंगशारदा में नहीं रखा है। जितेंद्र दीक्षित मातोश्री से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, हकीकत क्या है, माफ कीजिएगा, रंग शारदा से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, हकीकत क्या है बताइए, क्या रंग शारदा में है शिवसेना के विधायक या नहीं है, या उद्धव ठाकरे के साथ हैं? देखिए, संजय राउत के बयान से मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस वक्त रंगशारदा में ही मौजूद हूं और यहां पर देख रहा हूं कि शिवसेना के कई सारे विधायक जो है यहां पर मौजूद हैं। कुछ विधायक यहां पर आए थे, यहां से निकले और अपने कपड़े वगैरह, अपने बैग्स वगैरह लेकर वापस आ गए हैं। कुछ विधायकों से हमारी बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमें ये निर्देश दिया गया है मातोश्री से कि आप जो है रंगशारदा में आइए और यहीं पर अगले निर्देश का इंतजार कीजिए। तो बहुत सारे विधायक यहां पर आए, कुछ विधायक जो अपना सामान नहीं लाए थे, जो अपने कपड़े नहीं लाए थे, वो बाहर गए हैं, कुछ को कुछ जरूरी काम निपटाने थे, तो वैसे विधायक अंदर बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कैद करके रखा गया है या उनकी बाहर आवाजाही पर किसी तरह की रोक टोक है, लेकिन उन्हें यहीं पर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। और जो विधायक अपना सामान नहीं लेकर आए थे, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो मुंबई से बाहर के भी हैं, तो ऐसे विधायक अपना सामान मंगवा रहे हैं। यहां पर लगातार विधायकों की मौजूदगी हो रही है और कुछ विधायकों ने यह भी संकेत दिया है कि हो सकता है शाम तक जो है उद्धव ठाकरे खुद यहां पर आकर विधायकों से एक बार मिलें, तो ये संभावना भी है। तो ऐसे में संजय राउत पता नहीं क्या सोचकर कह रहे हैं कि हमने विधायकों को रहने को नहीं कहा, क्योंकि विधायक तो कुछ और ही बात कह रहे हैं। और जमीनी हकीकत यह है, मैं रंगशारदा पर मौजूद हूं और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि शिवसेना के विधायक इस रंगशारदा होटल में मौजूद हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और लगातार जब से शिवसेना की बैठक खत्म हुई है मातोश्री पर, तब से लगातार यहां पर हलचल बढ़ी हुई है और लगातार शिवसेना के विधायक और मंत्री यहां पर मौजूद हैं। जी जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। अशोक वानखेड़ा, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, 48 घंटे की तैयारी है, विधायक सामान मंगवा रहे हैं, जितेंद्र दीक्षित वहां का हाल हमें बता रहे हैं, क्या से क्या हो गया, ऐसा कभी हुआ है महाराष्ट्र की सियासत? 48 घंटे क्यों कहते आप? यदि अल्पमत में सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर भी उनका, यदि गवर्नर ने कहा कि आपको 1 महीना समय देते हैं हम फ्लोर टेस्ट के लिए, तो 1 महीने का समय होगा, तो 1 महीने तक इनको उन विधायकों को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। दूसरी ओर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पे भी बहुत फ्रिजाइल स्थिति है। कांग्रेस में भी 2 गुट है, कुछ कहते हैं कि सत्ता में जाना चाहिए, साथ में होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं हम बाहर ही ठीक है, क्योंकि सत्ता के बगैर जो लोग रह नहीं सकते उनके लिए बहुत बड़ा धर्म संकट है ये। ऐसे में पार्टी टूट भी सकती है, लेकिन क्या तोड़फोड़ करने के लिए क्या कोई बी प्लान है क्या बीजेपी के पास? यदि होता तो मुझे लगता है कि तुरंत वो सत्ता के लिए अपना सरकार बनाने के लिए होते। लेकिन टेक्निकल ये भी देखना होगा कि यदि बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं आगे आती तो क्या दूसरे बड़े दल को गवर्नर को बुलाना चाहिए।
और ये ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। बिहार में जब नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार अलग हो गई, तब टेक्निकली लालू यादव की पार्टी सबसे ज्यादा विधायकों के साथ थी, लेकिन जिस सरकार ने शाम को 6 बजे दोपहर को इस्तीफा दे दिया वो रात को 12 बजे फिर से शपथ विधि होता है बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ आके। तो ये गवर्नर का प्रोरोगेटिव है, इसमें कई लीगल एंगल्स है, इसमें यदि ऐसा कुछ हुआ तो ये कोर्ट केस आगे जाएगा, ये बहुत बड़ा इशू होगा। लेकिन महाराष्ट्र का ये तूफान ये मात्र 48 घंटे का नहीं है, ये तूफान अब लंबा चलेगा ऐसा दिखाई देता है जी। लेकिन अशोक वानखेड़े, विधायक जुटाना भी तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर 15 हम उसके 105 विधायक में जोड़ भी दें इंडिपेंडेंट्स, तो भी 25 विधायकों की दरकार है बीजेपी को। 25 विधायकों की दरकार है, मैंने यही कहा, कांग्रेस के पास 40 है, यदि वो फ्रीजाइल हो जाता है, कांग्रेस में से 20 टूट के भी आते हैं, और जब आप नजदीक पहुंच जाते हो उस मैजिक नंबर के, तो फिर बाकी जगह से भी लोग टूट के आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब होगा क्या, क्या शरद पवार, मुझे लगता है पूरे सिनेरियो का जो चाबी है, इस पूरे मंचन का जो पीछे डायरेक्टर है वो है शरद पवार। शरद पवार कहीं उद्धव ठाकरे को के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस को कुछ बता रहे हैं, क्योंकि वो बार बार कांग्रेस का हवाला दे रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ में आके समर्थन करेंगे। वो कहते हैं कि हमको विरोध में बैठने का, जनता ने कहा है कि आप विरोध में बैठिए, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि फिर राज्य को सरकार भी चाहिए। बिल्कुल, और दो बार संजय राउत से उनकी मुलाकात भी हुई है। अगर शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि शरद पवार जो बोलते हैं वो अक्सर यू टर्न करते हैं, अक्सर उनमें देखा जाए पुलोत से लेकर आज तक, पिछली बार भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में ऐसी स्थिति नहीं कि फिर से चुनाव के लिए सरकार राज्य सामने जाए, इसीलिए हमने बेलआउट किया सरकार जी। आखिर राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी है शरद पवार जी, बात करेंगे इस पर आगे हम। लेकिन नागपुर अब फिर से हम चलेंगे सरिता कौशिक के पास। सरिता, अशोक वानखेड़े ने भी कहा कि बड़ा सियासी तूफान महाराष्ट्र में, अगर बीजेपी इसमें फंस जाती है तो संघ को तो बीच बचाव करना पड़ेगा, वीटो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है अशोक जी ने बहुत ही अहम बात कही है, क्योंकि आज जो उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के पास में आंकड़े होते तो भाजपा आज ही सरकार बनाने के लिए अपना दावा राज्यपाल के पास ठोक देती। जब उन्होंने ये नहीं किया है, इसका मतलब जिसे हम बाइंग टाइम कहते हैं, बस वही भाजपा कर रही है। अब ऐसे में हमें अगर दूसरी तरफ हम देखें तो संजय राउत की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि हमारे पास में दूसरे भी विकल्प है, और मुझे लगता है बस यही बात भाजपा अभी कह नहीं पा रही है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं संघ ही है, क्योंकि संघ नहीं चाहता है कि जो हिंदुत्व का धागा शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में राम मंदिर का भी ऑर्डर आने वाला है, तो ऐसे समय में ये पूरी जो स्थिति निर्माण होगी उसमें अगर समय भी मिल जाता है राज्यपाल से, तो शिवसेना पर भी कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा, क्योंकि शिवसेना तो राम मंदिर के मुद्दे पर अपने आप को भाजपा से भी आगे रखती है इस आंदोलन में। तो ऐसे समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर कांग्रेस से अगर वो समर्थन लेकर कुछ करना चाहेगी तो आज तक के की पूरी पब्लिक पोजीशन में भी ये बहुत ही खराब दिखेगा। तो ऐसे में भाजपा ये जो समय खरीद रही है वो खुद के लिए भी खरीद रही है, और दूसरी तरफ राम मंदिर का ये ऑर्डर आएगा तो फिर शायद शिवसेना पर भी ये एक दबाव बनेगा कि वो भाजपा के साथ रहे, शायद ये भी एक रणनीति है। लेकिन ये जरूर है कि संघ नहीं चाहता है कि हिंदुत्व का धागा तोड़कर राष्ट्रवादी या कांग्रेस के साथ भाजपा जाए। वो लेकिन बहुत ही जिसे प्लान भी से दोनों बंधे हुए हैं। जी जी सर, इतना अपनी बात पूरी करिए। यही कह रही थी अमांडा कि संघ ने ये देवेंद्र फडणवीस को भी अपनी बैठक में बताया हुआ है, नितिन गडकरी को भी बताया हुआ है, दिल्ली के नेताओं को भी बताया हुआ है, और शायद इसीलिए संघ जो सक्रिय हुआ है वो बिल्कुल इसी वजह से हुआ है कि इस हिंदुत्व के धागे को पकड़कर शायद संघ दोनों पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर सकता है, जो कोशिश आज बीजेपी नेताओं की असफल हो रही है। अमांडा जी, अशोक वानखेड़े आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नैतिकता अब इस गठबंधन में कोई नहीं है, सत्ता प्राप्त ये लक्ष्य है। कर्नाटक में सबसे छोटी पार्टी होती हुए भी कांग्रेस ने सारी नैतिकता ताक पर रख के उस जेडी जनता दल को समर्थन दिया और देवगौड़ा की सरकार वहां बनवाई।
कश्मीर में विकास के नाम पे पीडीपी और बीजेपी एक घोर विरोधी दल, ये कई कोई विचारधारा साथ में नहीं, जिंदगी भर आपके खिलाफ लड़ते रहे लेकिन ये साथ में वहां सरकार बना चुके, ऐसे कई उदाहरण दिखेंगे। गोवा में जो लोग आए हैं पार्टी में कांग्रेस बीजेपी में वो लोग थे जिन्होंने मात्र कई उदाहरण है जहां नैतिकता ताक पे रखी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सत्ता में आता है वो उस राज्य के भलाई के लिए। देखिए कांग्रेस के लिए दुविधा सबसे बड़ी ये है कि बीजेपी उसका सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अयोध्या में 1992 में जो विध्वंस हुआ था उसका क्लेम सबसे पहले बाल ठाकरे ने शिव सैनिकों के लिए लिया था, तो कांग्रेस वैसी शिवसेना को कैसे समर्थन दे सकती है। और जैसा कि संजय राउत कह रहे थे फ्लोर पे हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन राज्यपाल आपसे 145 का आंकड़ा पहले मांग लेंगे और उसमें कांग्रेस की चिट्ठी होनी जरूरी होगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा काम। जी बिल्कुल, और कांग्रेस में भी ऐसे में दो गुट सामने आ रहे हैं, शिवसेना का जन्म कांग्रेस ने करवाया था। शिवसेना को वसंतराव नाइक ने पैदा किया, जिसके लिए उनको वसंत सेना भी कहा करते थे। ये वही शिवसेना है जिसका जन्म कांग्रेस के थ्रू हुआ और कांग्रेस ने बाकायदा शिवसेना के आरंभिक दिनों में पूरा फाइनेंस करके इस पार्टी को पनपाया। तब मुंबई की लड़ाई थी, मुंबई में जो लेफ्ट का मूवमेंट चल रहा था या समाजवादी मूवमेंट चल रहा था, लेबर मूवमेंट, जिससे वसंतराव नाइक की सरकार बुरी तरह से आहत थी, उसको टैकल करने के लिए उन्होंने शिवसेना को आगे किया था। तो ये आना जाना चलता ही रहता है। शिवसेना ने कई बार गठबंधन, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन पुणे नगर पालिका में सालों रहा है। महाराष्ट्र में हर जिला परिषद में आपको शिवसेना बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस एनसीपी, एनसीपी सेना, ऐसे कई गठबंधन दिखेंगे। ठीक है, तो सत्ता लक्ष्य के लिए कोई नैतिकता नहीं होती और ऐसे गठबंधन हजारों हुए हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो उनको सत्ता चाहिए आज के डेट में, महाराष्ट्र को किसी को भला नहीं पड़ा है, पूरा महाराष्ट्र पीड़ित है। लेकिन सवाल यहाँ पर सत्ता का ही नहीं है, छवि का भी है। दिल्ली नीरज पांडे के पास हम चलते हैं। नीरज, बीजेपी शिवसेना ये जो धागा है ये आइडियोलॉजी का भी है, दोनों का पुराने साथी हैं दोनों, ऐसे में हाईकमान क्या कर रहा है, क्योंकि चंद्रकांत पाटिल ने साफ कर दिया है कि अब जो भी करना है हाईकमान को करना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है कि वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो विपक्ष में बैठे। भारतीय जनता पार्टी की अभी भी कोशिश ये है कि वो शिवसेना को किसी तरह से मना, हो सकता है अभी अगले कुछ घंटों में इस पर संघ की तरफ से भी पहल हो और संघ की तरफ से एक मेजर पहल हो, और ये भी हो सकता है कि जो मुद्दे शिवसेना ने अभी तक जितने भी मांगे अपनी रखी हैं उसको भारतीय जनता पार्टी मान ले। लेकिन एक जो मैं पहले भी कह रहा था आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हाई कमांड है वो अभी भी रिजिड है कि मुख्यमंत्री पद के बाद की सारी मांगे मान ली जाएंगी लेकिन मुख्यमंत्री पद की बात नहीं मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे बड़ी जो संभावना है कि वो विपक्ष में बैठ सकती है अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उस शिवसैनिकों के अलावा किसी के साथ सरकार बनाए। और सरकार बनाना, पहले मैं अशोक जी से बिल्कुल पूरी तरह से जो है सहमत हूँ कि दोनों ही पार्टियों की जो पहली प्राथमिकता है वो सरकार बनाना, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है रेवेन्यू स्टेट माना जाता है और ऐसे में जब वहाँ संघ का मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय है। जी नीरज, लेकिन सवाल ऐसे में यही बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र में कब बनेगी सरकार, बनेगी तो कैसे बनेगी, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी।